और भाई शमून क्या सीन है? अनुभव क्या हाल है? चिमू बारा ये बात कर जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक, मतलब अच्छी बात है। बस षष्ठी पूजा होने के सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ईद मुबारक। चांद नज़र आ गया, बहुत जल्दी नज़र आ गया। इतनी मतलब इतनी हमें वो नहीं थी, क्या कहते हैं, उम्मीद ही नहीं थी कि चांद नज़र आ जाएगा, लेकिन आ गया। पिछले साल की तरह इस साल भी 29 रोज़ हुए हैं, क्या कर सकते हैं, अब चांद नज़र आ गया, अब तो ईद मनानी पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता। खैर, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और मेरी तरफ जो है 7:45 बजे तक नमाज है, तो मैं उवैस के साथ, जिस तरह मैं हर साल की तरह उवैस के साथ जाता हूँ, इस साल भी उवैस के साथ जाऊँगा। नहा धो के तो मैं फारिग होंगे, बस अभी मुझे कुर्ता वर्ता इस्त्री करना है और पहन के तैयार होना है, बाल थोड़े थोड़े बाल सेट वेट करना है। पिछले साल मेरा ईद का व्लॉग रह गया था, क्योंकि मैं ईद का व्लॉग मैंने बनाया नहीं था, मुझे दिल नहीं चाह रहा था, मतलब यही बोलेंगे कि बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने बनाया नहीं। इस साल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मतलब मैं इतनी मतलब मसरूफियात हैं, अभी भी बड़ी मसरूफियात हैं, लेकिन मैंने सोचा कि बना लेते हैं, छोटा मोटा बना लेते हैं, लेकिन बना लेते हैं। ईद का व्लॉग होना लाजमी है, उस पर फिर पता चलता है ना यार, ईद का तो बनता है। तो ईद का हमने अभी स्टार्ट कर दिया 6 बज रहा है, तो बस अभी मैं तैयार होने चले जाऊँ, क्योंकि 7:45 बजे जमात खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम 7:45 बजे ही जाएंगे, जाना तो पहले पड़ता है 10-15 मिनट पहले, तो तैयार हो जाते हैं और एक ही ट्रांजिशन हमें लगी, हम तैयार होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और ये हो गया राजू, बन गया जेंटलमैन, तैयार हो गए हैं ईद के लिए। ये बताओ कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा है, नहीं दिया। बस अभी निकलते हैं, टाइम हो गया, क्योंकि उवैस का मेरे पास फ़ोन आया था, 6:30 हो रहे हैं, 7:45 बजे की है, तो निकलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहिए, वरना फिर जगह नहीं मिलती और रश हो जाता, और इस बार का कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि इस बार जहाँ होती है वहाँ एक जगह नहीं हो रही हमारे इलाके में, तो एक हो सकता है कि वहाँ के लोग यहाँ आ जाएँ, तो जल्दी जाना चाहिए था, देखते हैं क्या होता है, फिर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलो भाई पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ तो भाई ईद की नमाज़ पढ़ कर आ गया हूँ, बाकी में बहुत गर्मी हो रही थी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारे हैंडसम दोस्त? तो वैसे यार ये तो धारो तुम, ये वाले दिन भी तुम करो ना। हाँ ये है, लेकिन और कैसी रही नमाज? आती कहते क्या पूछ, सही रही, वहाँ गर्मी बहुत। हाँ गर्मी बहुत हो रही है, तो अभी आगे का क्या सीन है ये बस? हारून के पास कुछ खापा वापे का सीन है? नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पीते यार गर्मी का, तो रोज़ा भी नहीं। चलो चलो फिर चलते हैं, हारून के पास चलते हैं, और अभी वाकई में बहुत गर्मी हो रही है यार, तो अभी पोनी वोनी बन जाएगी, तो बस चलते हैं। अभी यार 2 साल पहले कुछ हुआ था हमारे साथ, वही बोल रहा हूँ, बाहर जाने से पहले गुरेज कर, है ना। हाँ तो अगर आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या होता, आप मेरा पुराना ईद का ब्लॉग देखें, लास्ट ईयर तो मैंने नहीं बनाया था, उससे लास्ट ईयर बनाया था, तो वाला ईद का ब्लॉग देखें, आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम हारून के पास चलते हैं और फिर वहाँ पर आपको बता दें क्या सीन है, अगर सही रहा तो मैं वहाँ पर ब्लॉग कर लूँगा, क्योंकि ये गली बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये गली बिल्कुल पैक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कराची वाली की भी शूट हुई थी, तो अभी हम वहाँ चलते हैं, सेफ रहा तो आपको बता दें क्या सीन है। ओके हाँ, तो मैं उवैस के घर पे आ गए, हारून हमें मिला नहीं, वहाँ पे था नहीं हारून के, और ये अबे उवैस ये सब क्या बिक रहा है जानी? अबे यार वो सफाइयाँ हो रही हैं ना, अभी मासी आई थी। अच्छा सारे हाँ दावत है, तो अभी मैं उवैस हम लोग कर रहे हैं शूट, एकदम से बन गया, ऐसी प्लान बन गया। वैसे भी हम लोग अभी हारून के घर कहते हैं, हारून गया हुआ किसी और के साथ, तो हमने उसको मैसेज कर दिया है, फ़ोन भी कर देंगे अभी थोड़ी देर में कि आप भी आ जाएँ, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो छोटी मोटी अगर आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। तो अभी उवैस वहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे की सेटिंग कर रहा है, और जब तक हम आपसे बातें कर रहे हैं। हो गई, और ये हारून भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, कैसे हैं सर? खैरियत। हारून भी आ गए, तो बस अभी उवैस की शूट बाकी है, मैंने और उवैस ने कर ली भाई। हाँ शूट करा लो, उवैस से बड़ी अच्छी शूट कर रहे हैं उवैस भाई, उवैस द शूटर। अबे मैं तो आई नहीं कैमरे में, सॉरी अब आ गया, अब आ गया उवैस द शूटर, इधर खड़ा उधर खड़े हो जाओ भाई। चलो शाबाश, आप आ रहे हो, तुम आ रहे हो? नहीं पीछे आ रहे हो ना? अबे अजीब से आ रहा हूँ, मोटा आ रहा है, बना ले तो ये क्या, मैं टांगों से बना रहा हूँ। गरीब की शूट होते हाँ, तो भाई अभी मैं आ गया शमून के घर, यहाँ पे हमारी पूरी महफिल बैठती है लड़कों वगैरह की, तो पहला दिन है भाई, बनता है इन लोगों से भी मिलना बनता है, तो मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाँ तो भाई ये सारे हमारे लड़के हैं, शमून शमून के घर हमारी पार्टी होती है पहले दिन ईद, और वो देखें वो पहले बंदा टिक चुका
तो भाई ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये हमारी संगत का पॉइंट है और ये हमारा आवाज करता हुआ एसी है और ये हमारे प्यारे से दोस्त शमूद इनका घर है माशाल्लाह। ये लोग भी सुधरने वाले भाई। हाँ तो भाई मैं घर आ गया हूँ और अभी 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। मैं सुबह के 9:15 पे मैं निकला था वहाँ पे शमून के घर और अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी मेरी फ़्लाइट घर पे उतरी है। मतलब पूरे 12 घंटे रह गए आ गया हूँ और अभी भी हम सब बैठे हुए थे, अभी भी आधी पलटन बैठी हुई है वहाँ पर। मैं छोड़ कर आया हूँ, कहने का नहीं भाई मुझे ब्लॉग वगैरह देखना है, एडिट करना है। अगर मैं फारिग हो गया तो लेट नाइट में आ जाऊँगा। असल में हम सारे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कल है शमून की फ़्लाइट इस्लामाबाद की। समून भाई जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए इस्लामाबाद। तो हमने कहा भाई जितनी तफरियाँ कर सकते थे अभी कर लो, तो अभी फुल ऑन टू ऑन चल रहे थे। पहले अभी मैं एडिट करने बैठा हुआ था, जैसे कि आपको मैंने दिखाई एक छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई, तो तफरियाँ इतनी हो रही थी कि ब्लॉग बनना नामुमकिन था। अब आप लोग समझ सकते हो कि दोस्तों की जो तफरियाँ होती हैं तो फिर वो दिखाने लायक नहीं होती। तो बस मैं अभी ब्लॉग एडिट करने ही बैठा हुआ था, मैं पूरा तो मैंने आधे से ज़्यादा ब्लॉग मैंने यही काटा है क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं है भाई। तो दोस्तों की तफरियाँ क्या करें, बनाने तो देंगे नहीं तमीज़ से व्लॉग। और पूरी चांद रात पे भी हम लोग बैठे हुए थे, पूरी रात हम लोग बैठे हैं, पूरा दिन बैठे हैं, चांद रात पे इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि शमून जो है वो एहतिकाफ में बैठे हुए थे भाई। शमून भाई एहतिकाफ में बैठे हुए थे, बहुत बड़ी बात है ये हमारी, मतलब समझ नहीं सकते, जो शमून को जानता है ना वो समझ सकता है कि बहुत बड़ी बात है। फिर जैसे ही हमें चांद वगैरह नज़र आया था तो हम उसको मस्जिद गए थे, हमने उनका एहतिकाफ से वेलकम करा, फिर हम लोग बैठे पूरी संगत पूरी रात बैठी, फिर दोबारा नमाज़ पढ़ के जो आपने ये सब देखा हम दोबारा बैठे और अभी मैं घर आ रहा हूँ। 9:15 का टाइम हो रहा है और देखो मूड मेरा अभी भी पूरा है कि जा रहा है, क्योंकि यार बंदा जा रहा है 10-15 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा है, फिर हाथ भी नहीं आएगा। अभी जितना लूट सकते हो उसको लूट कर। तो अभी मेरा ब्लॉग अगर जल्दी एडिट हो जाता है और अगर मतलब मसरूफियात ख़त्म हो जाती हैं, घर की भी दूसरी मसरूफियात हैं, ऐसी नहीं कि सिर्फ ये मसरूफियात है, अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो हम दोबारा अपनी फ़्लाइट लेके चलते हैं शमून के। तो मैं तो यार ब्लॉग इतना कुछ बड़ा नहीं बना होगा लेकिन ईद का ब्लॉग बनना लाजमी होता है, तो ये हमने बना लिया। अभी दूसरा तीसरा दिन तो दावतों में गुजर जाता है, पहला दिन जो होता है वो दोस्तों के साथ गुजरता है मेरा ईद का, हर साल यही होता है। दूसरा तीसरा दिन होता है कि ख़ानदान वालों का होता है। तो अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह ब्लॉग बन जाएगा, कहीं बार बार आउटिंग वगैरह पर हम लोग गए लड़के वगैरह तो बन जाएगा ब्लॉग। लेकिन तब तक के लिए इतना रखते हैं, अगर ये पसंद आ गया तो ये लाइक कर दो भाई, ये पहली बार बोल रहा हूँ मैं, ये लाइक कर दो, इस बात पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में, लव शाबाश। Cause I got through the things that I never thought that I would. My kids are still growing and my hubby eating good. I'm going to school writing songs with my papers. Finally in the room with some movers and shakers. Got cake, I'm big baker making peace with my makers.